नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों का शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। ऐसा लगता है जैसे 2024 के चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई का कोई असर ना हो, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और असली मुद्दों की चर्चा ना हो, अब एक नई रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी उतर आई है। यह रणनीति उनका बहुत ही पुराना और बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है। यह रणनीति है हिंदुत्व का, यह रणनीति है सनातन का। आजकल सनातन शब्द का बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इस रणनीति की, या ये कहें कि इस मुद्दे की शुरुआत तो तमिलनाडु में वहां के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र जो मंत्री भी हैं और फिल्म स्टार भी हैं दयानिधि स्टालिन ने की थी, जब उन्होंने ये कहा था कि सनातन को इरेडिकेट कर देना चाहिए, यानी सनातन का उन्मूलन कर देना चाहिए। इस घटना के बाद काफी तीखी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई थी। लेकिन इस बीच G20 का सम्मेलन हो रहा था, लिहाजा यह मुद्दा दब सा गया। लेकिन अब जब G20 के सम्मेलन की खुमारी उतरने लगी है, तब भारतीय जनता पार्टी ने इसको नए सिरे से गरमाने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनौती दी है कि आप सनातन के मसले पर बोलते क्यों नहीं है। और ऐसा लगता है जैसे जो इंडिया गठबंधन है, जिसको वो घमंडिया गठबंधन कहते हैं, इस इंडिया गठबंधन का एकमात्र दृढ़ संकल्प है और वो है सनातन यानी हिंदुत्व का अपमान करना, और देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जब रविशंकर प्रसाद ये बात कह रहे थे, उसी समय, लगभग उसी समय केंद्र में मंत्री है जल शक्ति मंत्री, आप उनकी जुबान जरा देखिएगा, सुनिएगा तो आपको हैरानी होगी। वो कहते हैं जो सनातन का अपमान करेगा उसकी उसकी जुबान खींच ली जाएगी, उसकी आंख में उंगली डाली जाएगी। आप सोचिए, ये मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना भी इनके अंदर है। इनकी जुबान ये है कि अगर आप सनातन का अपमान करेंगे तो आपकी जुबान खींच ली जाएगी और आंख एक तरीके से निकाल ली जाएगी, ये कह रहे हैं। आप कह दोगे पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन के मसले पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूरी तैयारी के साथ इसका जम के जवाब देना चाहिए। इस बीच शिवसेना की तरफ से जवाब आया, और जो जवाब है वो उद्धव ठाकरे ने एक तरीके से दिया। उन्होंने यह आशंका जाहिर की कि राम मंदिर के बहाने एक बार फिर से कहीं गोधरा को दोहराने की कोशिश तो नहीं की जाएगी, गंभीर आरोप है और शिवसेना की तरफ से आया हुआ। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी का जो पूरा गेम प्लान है वो अब निखरता हुआ सामने आ रहा है कि किस तरीके से वो 2024 के चुनाव को पूरी तरीके से हिंदुत्व और सनातन के मसले पर रमने की तैयारी कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस के लोग इस पूरी योजना को अंजाम दे रहे हैं। गेम प्लान उनका क्या, मैं आपको बता देता हूं। बजरंग दल 30 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक देश भर में शौर्य यात्राएं निकालेगी और राम मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाएगा। जब यह यात्रा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हजारों की संख्या में साधु संतों की पैदल यात्राएं होंगी। और जनवरी के महीने में चूंकि राम मंदिर का उद्घाटन होना है, राम मंदिर को खोला जाएगा दर्शनार्थियों के लिए, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के समारोह किए जाएंगे। और जब प्राण प्रतिष्ठा के समारोह होंगे तो इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह 5 करोड़ लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, हर गांव तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। और यह सब कुछ तब हो रहा होगा जब लोकसभा के चुनाव लगभग अनाउंस होने वाले होंगे, लगभग उसका ऐलान होने वाला होगा, यानी चुनाव के बिल्कुल करीब। तो क्या यह इसलिए हो रहा है क्योंकि देश का ध्यान जो मोबाइल महंगाई है उस पर लोगों का ध्यान ना जाए,
वहां से लोगों का ध्यान भटकाया जाए या फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है उसकी तरफ। और क्या सनातन के मसले पर इंडिया गठबंधन उनके ट्रैप में फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।